जी, तो फ्राई बर्गर के लिए हम स्टार्ट करते हैं और ये बहुत मज़े के बनेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 5 कप और उसको मैंने अच्छे से छान लिया है। 1 कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है, नीम गरम लिया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है। और 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, 2 टी स्पून जो भर के मैंने यहाँ पर ली है ईस्ट की, 2 टेबल स्पून यहाँ पर मिल्क पाउडर, 1 टी स्पून नमक लिया है। ऑयल यूज़ करूँगी थोड़ा सा, आप ऑयल की जगह पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डो रेडी करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो पानी भी यूज कर सकते हैं, अगर आपका दूध कम पड़ जाए यहाँ पर तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। टेक्सचर हो जाएगा। अब इसमें आपने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर देने, इसको अच्छे से गूंदना है और 1 घंटे के लिए इसको हम रख देंगे ताकि जो डो है हमारी राइज हो जाए। फ्राई बर्गर के लिए अब सॉस को रेडी करते हैं। सॉस के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चिली सॉस, टमाटो केचप, मस्टर्ड पेस्ट और मायनीज का मैंने लिया है 1 प्याली। मायनीज में डालते हैं मस्टर्ड पेस्ट, टमाटो केचप, स्पाइस आपने जितनी लेनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून चिली सॉस लूंगी, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। सॉस रेडी हो गई। अब इसमें हम डालेंगे बंद गोभी, ये देखें सॉस रेडी हो गई फ्राई बर्गर के लिए। जी ये चपली कबाब है और चपली कबाब बनाने की रेसिपी मैं पहले भी कुक विद मुस्लिम में आपको बता चुकी हूँ। और ये कबाब मैंने फ्रीज करके रखे हुए थे, अब मैं इसको फ्राई करूँगी और ये आपने शलो फ्राई करना है। और बिल्कुल जो है आपकी आंच जो है वो मीडियम और लो के दरमियान होनी चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। मैंने साइड चेंज कर दी इसकी और डीप फ्राई नहीं करना, ऑयल सिर्फ यानी कि नीचे वाली तैर रही हो, फिर से मैं साइड चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे 2-3 बार इसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये फ्रीज किया हुआ था। और दूसरा ये कि हमें इसको अंदर से भी कुक करना है अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। ये कबाब हमारा रेडी हो चुका है, कुक हो चुका है। इसको मैं टिश पेपर पे निकालूंगी, इसी तरह बारी बारी में सारे कुक कर लूँगी। ये कबाब रेडी हो गए हैं, ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, फिर हम बर्गर बनाने की तरफ चलते हैं। और बर्गर किस तरह बनेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें और ऐड होंगी तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। जी तो डो रेडी हो चुकी है बर्गर के लिए। मैंने पेड़े कर लिए, पेड़े करके अब मैं थोड़ा सा इसको साइड पे रख दूंगी और फिर एक एक करके मैं बेल लूंगी। यहाँ पर चेडर चीज़ मैंने ली है स्लाइसेस वाली, आटा टेस्ट करूंगी, इसको बेल लूंगी। अब यहाँ पर ये एक स्लाइस डालूंगी, यहाँ सेंटर में स्लाइस रखेंगे और ये रखेंगे हम कबाब और इसमें हम डालेंगे सॉस, मैं सॉस डालूंगी। अवेज़ आप यहाँ पर मैं एक आपको डबल चीज़ के साथ बना के बताती हूँ और बाकी हम सिंगल के साथ बनाएंगे, आप डबल के साथ भी बना सकते हैं। और इसको अब हम बंद कर देंगे। देखिए हमारा एक बर्गर रेडी हो चुका है। ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, इसे डालेंगे और इसको जो फ्लेम है हमारी मीडियम से लो में ही रहेगी, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए और बाहर से भी। और इसी तरह सारे बर्गर बना के सारे मैं बारी बारी फ्राई करती जाऊंगी। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, अभी नीचे से अच्छे से कुक होगा, अच्छा सा प्यारा सा गोल्ड कलर हम लेंगे और बिल्कुल लाइट, आपको बबल से पता चल रहा होगा कि फ्लेम हमारी कितनी तेज़ है। इसी फ्लेम पर आपने रखना है, अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो बर्गर हमारा अंदर से जो है वो कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए इसको लाइट फ्लेम पे रखना है। मैंने फिर से साइड चेंज कर दी, देखिए मैंने दूसरा भी डाल दिया इसके अंदर,
और पहला हमारा ये फ्राई हो चुका है जी। देखिए व्यूअर्स, बर्गर हमारे रेडी हैं। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, कितना मज़े का क्रीमी और चीज़ी जूसी, बहुत मज़े का फ्राई बर्गर आपके सामने रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।